हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरागिन। हाउ टू इंडिकेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो यूट्यूब के नए क्रिएटर्स हैं, मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो बना के वो यूट्यूब से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब के बहुत पुराने क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अब वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं या फिर कम कर दिए हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि YouTube का एक नया फरमान आया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस फरमान का लिंक मैं आप सभी लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ पर से क्लिक कर इस पोस्ट में आ सकते हैं और इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। तो 16 जनवरी 2018 को YouTube के इस फरमान के तहत आप लोग अगर YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में बने रहना चाहते हैं, पार्टनर प्रोग्राम ये है कि अगर आप लोग YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपके वीडियोज़ में एडवर्टीजमेंट आएगा और फिर आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो YouTube का कहना यह है कि अगर आप लोग YouTube के पार्टनर प्रोग्राम में बने रहना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। और वो कंडीशंस क्या हैं वो भी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पिछले एक साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं रहा है और आपके उसमें पिछले एक साल में मतलब 12 महीने में अगर 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने गेन नहीं किए हैं तो आप लोग इस YouTube के पार्टनर प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। और जैसे ही आप लोग इस थ्रेशहोल्ड को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो YouTube का चैनल है वो इनके सिस्टम द्वारा इवेल्युएट किया जाएगा और वो ये देखेंगे कि आप लोगों ने जो भी काम किया है वो सही किया है, किसी भी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ये सही चीज़ पाई जाती है तो आपका जो चैनल है वो दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो सकता है। तो यहाँ पर से देखिए, तो इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप में से हमारे बहुत सारे YouTube सब्सक्राइबर ने पूछा है कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल में कितना वॉच टाइम है। तो वो मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को यही बताऊंगा कि पिछले एक साल में आप लोगों ने कितने सब्सक्राइबर गेन किए हैं अपने YouTube चैनल में, आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर से देखिए, आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आप लोग YouTube.com में आ जाइए और जैसे आप लोग YouTube.com में आते हैं तो आप लोग अपने अकाउंट से इसमें लॉगिन हो जाइए। जैसे आप लोग यहाँ पर से इसमें लॉगिन हो जाते हैं तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर से अपने चैनल को सेलेक्ट करना होगा। आप लोग यहाँ पर से स्विच चैनल पर जाइए और जिस भी चैनल का आप वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर चेक करना चाहते हैं आप लोग उस चैनल में स्विच कर सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आइकन बना हुआ जाएगा। तो जैसे आप लोगों का यहाँ पर से आइकन बना हुआ जाता है उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आना है। जैसे आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा आप लोग उस लिंक में क्लिक कर इस वेब पेज पर आ जाइए। जैसे आप लोग इस वेब पेज पर आते हैं तो यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है वॉच टाइम ऑफ यूट्यूब चैनल, तो आपको क्या करना है इसमें क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आपके चैनल पे एनालिटिक्स के अंदर आपका वॉच टाइम जो है वो यहाँ पर से बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर से इसको लोड होने देता हूँ और जो यहाँ पर से ये आएगा ये यहाँ पर से आपका आ रहा है लास्ट 28 दिन, मतलब पिछले 28 दिन का आपका यहाँ पर से वॉच टाइम दिखा रहा है। तो जो टोटल वॉच टाइम है वो मिनट्स में दिखाएगा, आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें पिछले एक साल का देखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से ये जो ड्रॉप डाउन है इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है लास्ट 365 दिन, तो आपको क्या करना है यहाँ पर से लास्ट 365 डेज में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग लास्ट 365 डेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पिछले एक साल का पूरा जो वॉच टाइम है आपके चैनल पे वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप लोगों को अपने कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे कैलकुलेटर को ओपन करना है। मैं यहाँ पर से कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर से कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। और जैसे आप लोग यहाँ पर से कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका वॉच टाइम है ये दिखा रहा है मिनट में, तो मैं यहाँ पर से कर देता हूँ 3233 मिनट है। तो मेरे को क्या करना होगा, इसको घंटे में चेंज करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो मैंने यहाँ पर से 60 से डिवाइड कर दिया। अब मैं इक्वल्स करता हूँ तो यहाँ पर से देखिए मेरे जो टोटल घंटे हैं वो 365 दिन में वो हैं 53 घंटे। तो यहाँ पर ये जो आपका वॉच टाइम है ये होना चाहिए 4000 घंटे या फिर 4000 घंटे से ज़्यादा। तो अगर आप लोगों के उसमें यहाँ पर 4000 घंटे से कम आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, आप लोग मेहनत कीजिए और आप लोगों के 4000 घंटे से ज़्यादा का वॉच टाइम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपना वॉच टाइम बढ़ा सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज करता हूं। अब बात आती है कि हम लोग कैसे चेक करें कि हमारे उसमें पिछले एक साल में कितने सब्सक्राइबर आए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर से नीचे को देखिए, यहां पर अगर आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है सब्सक्राइबर्स का, आप लोगों को इसमें क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर से इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जितने भी सब्सक्राइबर आए होंगे एक साल में आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए लास्ट 365 डेज, तो यहाँ पर से देखिए पिछले एक साल में मेरे पास मात्र 25 सब्सक्राइबर आए हैं। तो यहाँ पर से देखिए आपको पता चल जाएगा कि आपका जो चैनल है वो यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अगर आप लोगों का YouTube चैनल YouTube के पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ये वॉच टाइम होता क्या है। वॉच टाइम का मतलब ये है कि उतना टाइम जितने टाइम पर लोगों ने आपके वीडियो को देखा है। जैसे मेरा ये जो वीडियो है ये है 5 मिनट 9 सेकंड का,
इसका टोटल जो लेंथ है वो 5 मिनट 9 सेकंड की है और यहाँ पर जो व्यूज़ हुए हैं वो हुए हैं 5,750। तो जरूरी नहीं कि हर किसी ने इसको 5 मिनट 9 सेकंड तक का देखा होगा, जैसे हम मान के चलते हैं कि हर एक विजिटर जितने भी व्यूज़ हुए हैं उन सभी लोगों ने इसको 1 मिनट तक का देखा है। तो मेरे यहाँ पर से कितने मिनट हो गए, 5,750 मिनट हो गए। तो ऐसे करके जितने भी वीडियोज़ होंगे आपके यूट्यूब चैनल में उन सभी का कैलकुलेट किया जाएगा, सभी को ऐड किया जाएगा। अगर वो 4,000 घंटे तक का उनका जो वॉच टाइम है वो क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद आपका जो चैनल है वो आपका एलिजिबल होगा यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम के लिए। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान देना होगा कि आपके जो लास्ट के मतलब एक साल है उस एक साल में आप लोगों ने 1,000 सब्सक्राइबर कम से कम गेन किए होने चाहिए, तभी आप लोग यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब बात आती है कि आप लोग अपने YouTube के वॉच टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए सबसे मेन जो फोकस आपने करना है वो आपने कंटेंट में करना है। तो कंटेंट बनाने से पहले आप लोग ये ध्यान में रखिए कि लोगों को क्या वो कंटेंट पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लोग क्या उसको शेयर करेंगे। तो आपने क्या करना है, एक क्वालिटी कंटेंट बनाना है जिसको लोग देखना पसंद करेंगे, और अगर उनको पसंद आता है तो लोग शेयर भी करते हैं, तो जिससे आप लोगों का वॉच टाइम जो है वो इंक्रीज़ करेगा। और अगर आप लोग कुछ सरप्राइज़ रखना चाहते हैं तो उस सरप्राइज़ को लास्ट में रखिए, हो सकता है उस सरप्राइज़ में आप लोग कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे रहे हो जो कि लोगों के काम आए। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग वीडियो में लास्ट में रखिए, और अपने जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे बोलिए कि वीडियो को लास्ट तक का देखें। और आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी आप वीडियो बना रहे हैं आप लोग उस वीडियो को YouTube में अपलोड करने के बाद टारगेटेड लोगों तक का पहुंचा सकें। जैसे मान लीजिए आपका कोई कुकिंग से संबंधित चैनल है, आप लोगों ने कुकिंग से संबंधित कोई वीडियो बनाया है, तो आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे फेसबुक का, ट्विटर का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फेसबुक में कुकिंग से संबंधित बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आप लोग उन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर अपने वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग ऐसी किसी ग्रुप में शेयर मत कीजिए, नहीं तो आप लोग स्पैमिंग करेंगे। आप लोग स्पैमिंग से बचें और अपने कंटेंट को बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस तक का पहुंचाएं। तो ये कुछ तरीके हैं, और साथ ही साथ आप लोग लास्ट में एक कॉल टू एक्शन ऐड कीजिए जिसमें आप लोग बोलिए कि आपका चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करने को, और साथ ही साथ आपके बेल आइकन को प्रेस करने को। तो आप लोग अच्छा कंटेंट बनाइए, अच्छी जगह पे टारगेटेड ऑडियंस के साथ उनको शेयर कीजिए, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो आप लोग काम पे फोकस कीजिए, और आप लोगों को पैसों पे फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग काम अच्छा करेंगे, लोगों को पसंद आएगा, तो लोग खुद ही आपके चैनल पर आएंगे और खुद ही आपके वीडियोज़ को देखेंगे, आपके कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और जैसे जैसे लोग आपके वीडियोज़ को देखेंगे तो आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बगल में बनी हुई घंटी को दबा लीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।